वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क टेन में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं और धरातल पर क्या चल रहा है ये भी दिखा रहे हैं। भिन्न भिन्न लोगों को आपके बीच में जोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड से हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी, और आज उनसे जानेंगे कि वास्तव में कांग्रेस कोरोना के अंदर क्या कर रही है, सार्थक विपक्ष की भूमिका कैसे निभा रही है और उत्तराखंड के धरातल पर हाल क्या है। प्रीतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम सिंह जी, आपसे दो तीन ऐसे सवाल हैं जो वास्तव में आज होने चाहिए। एक तो ये कि आज उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना को लेकर है उसके हालात क्या हैं, ब्लैक फंगस को लेकर क्या हालात हैं और कांग्रेस क्या क्या कार्य इस कोरोना में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका को लेकर क्या कर रही है। कोरोना की महामारी लगातार देश और प्रदेश में पैर पसार रही है और जब पहली लहर जो है कोरोना की आई थी उसके बाद उसमें थोड़ा ठहराव आया और ठहराव के बाद जो दूसरी लहर आई, निश्चित रूप से दूसरी लहर ने पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने पैर पसारने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को जो अवधि मिली थी उस अवधि में वो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ने के लिए कार्य करती, लेकिन उस दिशा में सरकार कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज हालात बस से बदतर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक आहूत की थी और उस बैठक में हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से कठोर कदम उठाए ताकि कोरोना की इस महामारी को रोका जा सके, और कुछ सुझाव भी हमने राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही और उन्होंने इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की और जिसका खामियाजा जो है आज पूरे उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। आज हालत यह है, स्थिति यह है कि कोरोना गांव-गांव तक जो है घर कर गया है, लेकिन सरकार के पास जो व्यवस्थाएं कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारत है, कहीं दिखाई नहीं देती है। आज हालत यह है कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के परिजन जो है हमसे भी गुहार लगा रहे हैं, अस्पताल में भी जा कर के कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन बेड चाहिए, हमें ICU चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, रेडिसिमर इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो सरकार को करनी चाहिए थी सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी से लड़ने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है सरकार कालाबाजारी को रोकने में भी पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और सरकार को जो है कांग्रेस ने समय समय पर आईना दिखाने का काम किया है। जब हम सरकार की कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास करते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि कांग्रेस को सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, और मैं अपने भाजपा के मित्रों से भी और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सदैव जो है सकारात्मक भूमिका अदा करने का काम करती आ रही है। प्रदेश के अंदर चाहे मुफ्त में जो है एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की बात हो उसको हमने कराने का काम किया, हमने ऑक्सीजन बैंक जो है उसको बनाने का काम किया, ऑक्सीजन युक्त अस्पताल की आवश्यकता थी उसको भी हमने खोलने का प्रयास किया, और साथ ही साथ जो आवश्यकता थी चाहे मास्क की आवश्यकता हो, चाहे सैनिटाइज़र की आवश्यकता हो, चाहे पके हुए भोजन की आवश्यकता हो या खाद्यान्न की आवश्यकता हो, जहाँ पर भी जो आवश्यकता थी कांग्रेस के लोगों ने निश्चित रूप से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में प्रीतम भाई रक्त ये की आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक प्रीतम भाई माफ कीजिएगा, रोक रहा हूँ आपको। एक सवाल आपसे ले रहा हूँ यहीं प्रीतम भाई। एक सवाल
क्या है कि वर्तमान में जिस तरीके से ब्लड बैंक की बात हो रही थी और कांग्रेस लगातार एक ब्लड बैंक के लिए प्रयास रहती है, उसको लेकर क्या स्थिति है, वो क्या कार्य है जो ब्लड बैंक की बात लगातार कांग्रेस कर रही थी? जी नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में रक्त की नितांत आवश्यकता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हम 19 मई से 25 मई तक लगातार प्रदेश के अंदर जो है रक्तदान शिविरों का आयोजन करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जो हमने रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं उसमें लगभग 700 के आसपास यूनिट जो है हमने रक्त एकत्रित किया है, रक्तदान करने का काम किया है। ये सकारात्मक हमारी पहल रही और इसको करने का लक्ष्य भी हमारा था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया, राहुल जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन आम जन के साथ खड़े होने का काम करे और निश्चित रूप से उस भूमिका को कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निभाने का काम कर रहा है। और जैसा कि आपको विदित है कि 21 मई जो है इस देश को जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में या 21वीं सदी के भारत के रूप में विकसित करने की जिन्होंने आधारशिला रखी, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस था, तो इसको लेकर के भी हमने इस रक्त एकत्रित करने के लिए अभियान चलाया है जो गतिमान है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के इस काल में कांग्रेस जिस तरीके से सड़क पर खड़े होकर के आम जन के साथ खड़े होने का काम कर रही है और रक्त को जो है एकत्रित करने का काम कर रही है, उसके माध्यम से कोरोना के मरीजों को जो रक्त की आवश्यकता है उसको देने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल प्रीतम सिंह जी, क्योंकि अभी तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे पहले आप मंत्री भी रहे हैं, लगातार आप प्रदेश में घूमते भी रहते हैं। अगर हम देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम देखें कि उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े रहे हैं और सरकारें जिस किसी की भी रही हों हमेशा ये सवाल खड़े रहते हैं, आखिर कहाँ चूक हुई है, क्यों हम उत्तराखंड के अंदर उस तरीके की व्यवस्थाएं पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं कर पाए जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, किसकी चूक मानते हैं? नहीं, सही बात है कि आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से मजबूत होनी चाहिए थी उसका अभाव है, लेकिन इस दिशा में प्रयास किए गए हैं और ये भी कोशिश हुई है, ये भी प्रयास हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जाए, लेकिन डॉक्टरों का अभाव होने की वजह से शायद संभवतः मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएँ जितनी मजबूत होनी चाहिए थी उतनी मजबूत नहीं है। जहाँ तक कोरोना के इस काल में है, मैं कहना चाहता हूँ हमने सरकार को सुझाव दिया था कि कोरोना की महामारी जिस तीव्र गति से फैल रही है, स्वाभाविक बात है उत्तराखंड के जो प्रवासी अन्य राज्यों में रहते हैं वो अपने राज्य में वापस आने का काम करेंगे, तो सरकार जो है इंट्री पॉइंट पर जो है लोगों का जो है कोरोना टेस्ट करे और उनके आइसोलेशन की या क्वारंटाइन की व्यवस्था भी करे ताकि ये कोरोना की महामारी गाँव की ओर जो है ना फैल सके, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और लोग आए और सीधे जो गांव की ओर गए और ये संक्रमण जो है पूरी तरीके से गांव में फैल चुका है, पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर फैल चुका है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ हम विपक्ष में हैं, हम स्वाभाविक बात है कि सरकार अगर कहीं पर चूक करेगी तो हम सरकार का ध्यान उस ओर इंगित करने का काम करेंगे और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि कांग्रेस को जो है सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करनी चाहिए। मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का दायित्व है हम उसको भली भांति समझते हैं, उसका हम निर्वहन करते हैं, लेकिन अगर सरकार चूक करेगी तो उस ओर हम ध्यान दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आज तो हालात एकदम दूसरे हैं, हम तो कह ही रहे हैं लेकिन आप तो सत्ता में बैठे भी जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो सरकार की व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मंत्रियों में विधायकों में जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी के समय आपसी समन्वय होना चाहिए था उस समन्वय दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार का दायित्व बनता था कि वो कोरोना की इस महामारी में जो है लोगों
के साथ खड़े होने का काम करे, लेकिन वो आपसी में ही, आपसी प्रतिद्वंद्वता में ही दिखाई दे रही है, ये हालत है। और जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट जो है सरकार को फटकार लगाने का काम कर रहा है, अगर सरकार में ज़रा भी नैतिकता होती तो हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का अनुपालन करती, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज सरकार की स्थिति ये है कि सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, लेकिन कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। और हालात, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हालात ये है कि अगर ऑक्सीजन का कंटेनर आया तो वो तब तक जाएगा नहीं जब तक मुख्यमंत्री जी उसको हरी झंडी ना दिखा दे। किसी ट्रक में अगर 400 सिलेंडर ऑक्सीजन के आए तो कोई मंत्री जब तक उसे हरी झंडी ना दिखा दे तब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं जा सकता है। 18 से 44 के बीच में जिन लोगों को का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, उस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग सुबह जो है 5 और 6 बजे आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं होता। जब एक सवाल हो रही है, मैं यहाँ आपसे ले रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की बात हुई है। प्रीतम सिंह जी, एक माफ कीजिएगा आपको रोकते हुए, एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। मैं बात पूरी कर लूँ। ये समय कोरोना से लड़ने का है, न कि उद्घाटन और झंडी दिखाने का है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपने, क्योंकि ऑक्सीजन की बात की, मैं एक चीज जानने चाह रहा था, आपका पूरा क्षेत्र भी उधर ही है, सेलाकुई में भी एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है, उसके अलावा रुड़की में भी है, उसके अलावा उधम सिंह नगर में भी है, उसके बाद भी बहुत सारे प्लांट है छोटे छोटे भी, उसके बाद भी ऑक्सीजन की जो कमी हुई, तो कहीं ना कहीं जो वो मिसमैनेजमेंट हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन लाना, और हमारे यहाँ खुद बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट हैं, उसके बाद भी हम वो व्यवस्थाएं उनमें चूक गए। वही तो कह रहा हूं कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी और जब दूसरी लहर आई, उसमें एक लंबा अंतराल सरकार को तैयारियों के लिए मिला था, लेकिन सरकार ने तो कोई तैयारी नहीं की। वो तो अपनी अंतर्विरोध में जो है लगातार लड़ते रहे। हमारा गैरसैंण के अंदर सत्र होता है, आप देख लीजिए किस तरीके से हाय तौबा मचती है और नेतृत्व परिवर्तन होता है। तो बीजेपी को या सरकार को जो समय तैयारी के लिए मिला था, उस समय सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। और जब दूसरी लहर ने प्रकोप फैला दिया, दूसरी लहर पूरी तरीके से जो है गांव-गांव तक पहुंच गई, पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी की चपेट में आ गया, तब सरकार की नींद जागी। और जब कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब अगर हाथ पांव आप मारेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, और यही उत्तराखंड के साथ हुआ। और इसीलिए मंत्रियों की भी प्रतिद्वंद्वता, पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि सीएमओ मेरा फ़ोन नहीं उठाता, इससे बड़ी दूसरी विडंबना क्या हो सकती है। और हाईकोर्ट लगातार सरकार को फटका लगाने का काम कर रहा, यही तो वजह रही। सरकार ने कोई काम नहीं किया, सरकार तो बिल्कुल निठल्ली होकर के बैठी रह गई और कोई कार्य इस दिशा में नहीं किया। और अब तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई, अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। जी, सरकार ने ब्लैक फंगस को जो है महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन उसके लिए जो दवाई है, जो इंजेक्शंस है, उसकी कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा भी होगा दून अस्पताल में जो है लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से और एम्स ऋषिकेश से, तमाम हॉस्पिटल से पर्चा लेकर के जो है देहरादून बैठे हैं, लेकिन किसी को भी जो है क्या नाम ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जिन इंजेक्शनों की आवश्यकता है उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैंने स्वयं जो है जो हमारे प्रभारी सचिव हैं, मैंने उनसे भी जो है 21 तारीख को भी बात की और 22 को भी बात की। 21 तारीख को उन्होंने कहा कि हाँ रात तक आ जाएंगे, जब नहीं आए तो मैंने 22 को फिर उनसे कहा कि भाई लोग मेरे पास भी संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंजेक्शन दिलाइए, तो इंजेक्शन हम कहाँ से दिलाएं? ये तो सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि उसको वो पूर्ति करने का काम करें। तो उन्होंने मुझे कल भी ये कहा कि अभी तक जो है आपूर्ति नहीं हो पाई। आपने उसको आप जो है ये तो घोषित कर दिया कि भाई
जो ब्लैक फंगस है ये महामारी है और उसको महामारी घोषित करती है उत्तराखंड सरकार, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? ये तो जवाबदेही सरकार की है, ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और आज उत्तराखंड के लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि कोरोना की महामारी से लड़ने में भी सरकार अक्षम साबित हुई है और ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया, लेकिन कोई व्यवस्थाएं सरकार ब्लैक फंगस के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं कर पाई, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार पूरी तरह बिल्कुल प्रीतम सिंह जी, ये भी एक बहुत सारी चीजें हैं और कांग्रेस के सवाल अपनी जगह सही हैं। एक सवाल और यहां बनता है, क्योंकि जिस तरह से आपदा प्रदेश है, वैसे भी आपदाएं बहुत आती हैं, लेकिन इस बार आपदा पहले आ गई, आपके चकराता में भी आई, उसके अलावा बहुत ऊपर पहाड़ों पर भी लगातार आ रही है, बहुत जल्दी आ गई, अभी तो मई चल रहा है, उसके बाद अभी तो जून जुलाई अगस्त बहुत आगे हैं। ऐसे में कोरोना भी है, आपदाएं भी हैं, उसे लेकर कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहेंगे और वर्तमान में कांग्रेस इससे निमटने के लिए जो सरकार की मैं कहूँगा कोशिशें हैं या जो तैयारियां उसे लेकर कैसे कांग्रेस देखती है? देखिए, असमय बरसात जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रही है और लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, चाहे मैं नैनीताल जनपद का जिक्र करूं, चाहे चमोली का जिक्र करूं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी या देहरादून का जिक्र करूं, इन जनपदों में बादल फटने की घटनाएं घटित हुई और उससे बहुत बड़ी जनहानि भी हुई है और धनहानि भी। मैं जब देवप्रयाग में बादल फटे थे तो मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से गए थे, लेकिन मैं बाय रोड जब वहाँ गया तो जो वहाँ प्रभावित लोग थे वो मुझसे मिले, उन्होंने अपनी बात मुझसे कही, तो मैंने जिला अधिकारी से बात की कि भाई कम से कम त्वरित गति से जो है जो जिन लोगों की क्षति हुई है देवी आपदा से उनकी आर्थिक मदद करने का काम सरकार करे। तो जिला अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कोई त्वरित गति से कोई मदद कर सकें, ये हालत है। मैं समझता था कि मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से कोई ना कोई बात जो है जिला अधिकारी से कही होगी, कोई ना कोई निर्देश दिए होंगे कि त्वरित गति से जो लोग प्रभावित हैं उनको मदद करें, लेकिन जिलाधिकारी का सीधा सीधा जवाब था कि नहीं, हम कोई मदद नहीं कर सकते। मैं उसी दिन वापस आया, मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी ये देवी आपदा की जो घटनाएं समय से पहले घटित हो रही हैं बरसात की वजह से, बादल फटने की वजह से, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देवप्रयाग में आप भी गए थे, मैं भी गया था, तो जो जिन लोगों को क्षति हुई है तो सरकार कम से कम 10-10 लाख रुपये तो उनको आर्थिक सहायता दे, और जहाँ पर जनहानि हुई है उनको भी 10-10 लाख रुपया दे। लेकिन सरकार तो बिल्कुल इस समय चिर निंद्रा में सोई हुई है, इस दिशा में कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रही है, हालात बद से बदतर हैं। एक ओर लोग कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहे हैं, ब्लैक फंगस से जंग लड़ रहे हैं, और तीसरा जो है देवी आपदा ने व्यक्तियों का या लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। सरकार से मैंने ये भी आग्रह किया था कि असमय जो है ये घटनाएँ घटित हो रही देवी आपदा की, और उत्तराखंड राज्य की परिस्थिति बड़ी अजीबोगरीब है कि यहाँ देवी आपदा भी आ रही है और कोरोना भी है और ब्लैक फंगस भी है। तो हमने कहा कि देवी आपदा के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन में शिथिलता जो है प्रदान की जाए या शिथिलता बरतते हुए लोगों की सहायता की जाए, और भारत सरकार से राज्य सरकार कहे कि भाई हम एक ओर तो आपदा से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर कोरोना और ब्लैक फंगस से भी हम लड़ रहे हैं, तो हमें कोई विशेष पैकेज केंद्र सरकार दे। लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, और हालत ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन प्रभावितों को सरकार द्वारा जो समुचित सहायता दी जानी चाहिए थी उस दिशा में कोई कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अजीबोगरीब सरकार है, ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी कि जो सरकार आपसी द्वंद्व में इस समय लगी हुई है और जो आम जन है उससे कोई सरोकार नहीं है। और देवी आपदा से एक आने से एक बात और हो रही है, हम बार बार जो है कहते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, जब आदमी का देवी आपदा से कुछ बचेगा ही नहीं और सरकार सहायता नहीं करेगी,
तो वो पलायन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, उसे तो मजबूरी बस से पलायन करना है। सरकार इस दिशा की ओर देख नहीं रही है, सरकार को देखना चाहिए था, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए था। सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इतिश्री होने वाली नहीं है, बल्कि घाव पर जो है मरहम लगाने की आवश्यकता है, जो सरकार द्वारा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रीतम सिंह जी, आपने बहुत बहुत सारी बातें की, लेकिन अब मैं यहाँ सुझाव के ऊपर आऊँगा, क्योंकि आपका समय कीमती है और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये एक अंतिम सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि वास्तव में कोरोना भी फैल रहा है, ब्लैक फंगस भी है और तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है, उसके अलावा आपदा भी जोरों पर है और अब की बार तो पहले से यह देवी आपदा। तो ऐसे में कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहेगी, कैसे कोरोना पर कंट्रोल हो, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू पूर्णतः लगाना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कांग्रेस क्या कहेगी और कांग्रेस खुद में उसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि एक सार्थक सकारात्मक भूमिका में कांग्रेस कैसे दिखे, ये आपका भी दायित्व बन जाता है। जी नहीं, देखिए कदम तो सरकार को उठाने हैं, कांग्रेस नहीं उठा सकती। कांग्रेस तो जो लोग इस महामारी से ग्रसित हैं उनके साथ खड़े हो सकती है, सहायता कर सकती है। सरकार और शासन जो सरकार शासन प्रशासन तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के हाथों में है। नहीं, कांग्रेस सुझाव तो दे सकती है। प्रीतम सिंह एक विधायक होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते सुझाव तो दे सकते हैं। मैं आप बात पूरी करने दे तब ना, आप दिक्कत ये हो गई, आप लोग बुलाते हैं हमको फिर बात पूरी नहीं करने देते। मैं वही कह रहा हूँ कि जब नहीं मैं देख नहीं नहीं देख नहीं नहीं देखिए आपको सुनने का भी पेशेंस रखना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि बोलिए, जब मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक आहूत की और सर्वदलीय बैठक में जो है कांग्रेस ने और तमाम जो अन्य लोग जिन्होंने हिस्सा लिया था एक स्वर से कहा था कि सरकार कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाए, सरकार जो है उपाहों की स्थिति में रही, वहाँ सरकार में कुछ लोगों का मत कुछ था, कुछ लोगों का मत कुछ था, और जिस सरकार में मत भिन्नता होती है वो सरकार मजबूत निर्णय नहीं ले पाती है, और यही उत्तराखंड के साथ हुआ। हमने कहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था कीजिए, आप उनका टेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए। हमने कहा था टेस्टिंग क्या नाम आप बढ़ाइए, टेस्टिंग सेंटर ज़्यादा बढ़ाइए। तो ये सरकार तो ये तमाम कार्य तो सरकार करेगी। हमने कहा था वैक्सीनेशन का जो आप कार्य कर रहे हैं उस वैक्सीनेशन के कार्य में तेज़ी लाइए। आप 18 से क्या नाम 44 तक सरकार ने ये तो कह दिया कि हम मुफ्त में वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं तो वैक्सीनेशन होगा कैसे। आज गांव की स्थिति ये है कि गांव में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर कहीं पर जो है लाइट नहीं है, कहीं पर जो है जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। तो अभी भी आपने मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए आपने वैक्सीन तो भेज दिया, लेकिन जो वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है वो बाहर के लोगों का हो रहा है जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, जो स्थानीय व्यक्ति उसका तो हो ही नहीं पा रहा। तो ये सब व्यवस्थाएं तो सरकार को करनी है। सुझाव के रूप में हमने कहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्टिंग आप करिए, लेकिन नहीं। और अभी भी हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाएं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करें, और जो ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी आ गई है इसके लिए जो है आपने सिर्फ महामारी घोषित करने से तो बात नहीं बनेगी ना, उसके लिए तो तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। वो व्यवस्थाएं कांग्रेस तो नहीं कर सकती, कांग्रेस तो विपक्ष में, वो व्यवस्थाएं तो सरकार को करनी है। जो दायित्व सरकार का, सरकार उस दायित्व का निर्वहन करे, और इसीलिए सरकार जब निर्वहन नहीं कर पा रही है इसीलिए उनके मंत्री परिषद के लोगों में भी एकमतता नहीं है और एक दूसरे पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं, वार करने का काम कर रहे हैं, और हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा जो है जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नदारद है। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि केंद्र सरकार ने सरकार को जो मदद उत्तराखंड राज्य की करनी चाहिए थी वो मदद नहीं हो पा रही,
डबल इंजन, डबल इंजन सिर्फ गाना गाने से बात नहीं बनने वाली है, डबल इंजन का नारा देने से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन डबल इंजन का इस प्रदेश को लाभ भी तो मिलना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे रूप से कहा है। कांग्रेस तो जो हम तो इन विषम परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, और मैं कहना भी चाहता हूँ कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और अन्य लोग अगर इस कोरोना की महामारी में खड़े नहीं होते तो सरकार ने तो हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया था और कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई थी। तो मेरा सरकार को सुझाव है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका टेस्टिंग जो है वो एंट्री पॉइंट पर हो। कोरोना आपने जो है ब्लैक फंगस को राज्य महामारी घोषित कर दिया, लेकिन उसके लिए जो वैक्सीनेशन की या इंजेक्शन्स की आवश्यकता, जो दवाई की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करें। जी नहीं, बिल्कुल आपके सुझाव पे अमल होना भी चाहिए। और बड़ा ही बहुत सारी चीज़ें आपने खुलकर बताई, बहुत सारी बातें आपने बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे प्रीतम सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तराखंड के, और पूर्व मंत्री रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली और कहा कि अगर सरकार कठोर निर्णय लेती है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर उत्तराखंड को लेकर बहुत ही चीज़ें सामने आ रही है कि वहाँ पर जो वर्तमान में कोरोना के केसेज है, ये अलग बात है कि थोड़ा रुके हैं, लेकिन उसके अलावा ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, और जो तीसरी लहर है वो बच्चों के खतरे की जो बात हो रही है वो भी वहाँ पर मंडराती दिख रही है। ऐसे में सरकार को और चौकन्ना, और मैं कहूँगा कि चौकन्ना होकर और बड़ी त्वरित तरीके से कार्य करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। आज इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।